ये कटोरा दे दिया योगी मोदी ने हाथ में, ये क्या करेंगे भैया? रोजगार बचा नहीं है, सब बेरोजगार हैं। मोदी खा गए जीएसटी दे के, और क्या जीएसटी दे के सिलेंडर पे, फिर मोदी डकार गए। चना बेच रहा हूँ आज, ये साइकिल चना बेच रहा हूँ, चना इनको खरीद दूँ 50 रुपये चना मैं। चलो कैमरे पे चना खरीदने वाले खरीदिए, चलिए पर्याप्त खरीदिए, एक शर्ट नहीं ये मानेंगे तब नहीं, जो 60 अच्छा है बोलेंगे तब। पहले मत खरीदना, पहले नंबर उन्होंने एक काम किया कि जो ऑपरेशन आप कभी जीवन में नहीं करा पाते, आज वो ऑपरेशन आप ऑल इंडिया में घुमा करा लीजिए। कौन सा ऑपरेशन? कोई भी ऑपरेशन हो, कौन सा ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन हो। भारत के लोग वहाँ पहुँच नहीं पाते थे, वहाँ जाके यूनिवर्सिटी बनाए। जम्मू कश्मीर में आप जाओगे पढ़ने? घूमने भी नहीं जा रहे, घूमने आप जाओगे पढ़ने? मिला तो सड़कों को खाएंगे कि चाटेंगे चूमेंगे? पानी कौन सी कंट्री में सस्ता है सरकार? आए आज तक कोई जीएसटी नहीं लगाया, इसने जीएसटी लगा दिया। इसे भेज, इनको भेजो यहाँ से, इनको भेजो, मुझे ऐसा धंधा नहीं चाहिए, मुझे योगी सरकार और मोदी सरकार ही चाहिए। आज गांव में लाइट है बहुत बढ़िया, दिल्ली में एक मिनट के लिए लाइट नहीं जाता, यहाँ पे अभी भी 2-2 घंटा 3-3 घंटा लाइट जाता है। तुम लोग तो ये योगी की सरकार है जो खुल के घूम रहे नहीं, फोन छीन गए घूमते थे, बल्कि उस टाइम ज्यादा घूमते थे, अब कम घूम रहे हैं। उस टाइम रोजगारी चरम सीमा पर है, अभी 10 दिन से हम घूम रहे हैं, कहीं काम नहीं मिल रहा है। हेलो, रोड बनाने में 1.5 करोड़ दिया तो रोड खा लोगे उखाड़ के, ये बताओ। हालांकि हमने बताया कि पिछले कई दिनों से जो है हम ग्राउंड सर्वे कर रहे हैं, और अब लगातार जो है ग्राउंड सर्वे को देख करके जो है समझ गए होंगे कि जनता जो है किसके पक्ष में जाने वाली है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जो है ये वादे कर रही है कि हम विकास के नाम पे जो है इस बार वोट मांगेंगे, और साथ ही साथ में जो है देख सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ जो है लगातार जो है जुड़े रहते हैं लोगों से, और ये उनकी जो है रणनीति जो है लगातार ये रहती है कि नाम बदलते रहते हैं। जिस तरीके से नाम बदलने की जो उनकी प्रक्रिया है लगातार ऐसी चलती रहती है, जैसे कि आज एक खबर आई है फिरोजाबाद का जो है वो नाम बदल रहे हैं और उसका नाम जो है चेंज कर रहे हैं। तो जनता से जानकारी ले लेते हैं कि यूपी चुनाव को लेकर के उनके मन में क्या चल रहा है, विकास चाहिए या फिर जो है नाम चेंज करने से ही जो है भला हो जाएगा। क्या नाम है? संतोष कुमार ठाकुर। कैसी लगी है सरकार योगी जी की कार्यकाल? 4.5 साल हो गया, कैसी लगी? ठीक लगा है। क्या क्या कार्य किया है? बहुत से कार्य किए हैं, बताइए जरा कुछ अच्छा ही बात बताइए, हम भी व्याकुल हैं। अरे सर, जितना ये सब रोड जितना भी दिखाई दे रहा है, रोड का काम हुआ है, रोड में बहुत सा काम हुआ है, पहले से बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ है रोड में। उसके बाद लाइट वोट भी बहुत अच्छा है, पहले से लाइट अच्छी आई है। हाँ हाँ, अरे कौन सा गरीब का पेट थोड़ी भरेगा। उज्ज्वला योजना का तब गैस सिलेंडर मिला है, शौचालय मिला है, गैस सिलेंडर गैस इतनी महंगी है कि गैस सिलेंडर से होता क्या है, क्या है, पैसे इतने बढ़ गए। पहले तो ये था कि ये सब्सिडी मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा, अब तो कुछ नहीं, पैसे बढ़ रहे हैं, गैस पर भी इतने बढ़ रहे हैं कि गैस सिलेंडर मिला क्या? नहीं मिला, सबको मिला है करीब 1.5 करोड़, ये सिर्फ गांव के लिए से, यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है। अच्छा, यहाँ कुछ नहीं मिला राशन? यहाँ पे उसके लिए जिसका अपना मकान, हम लोग किराए पे, ना राशन मिल रहा है ना कोई चीज, हमें कोई सुविधा नहीं है। योगी आदित्यनाथ जो है बार बार जो है जगह का नाम बदल देते हैं, इस बार जो फिरोजाबाद का नाम कुछ और नाम रखने वाले हैं, तो क्या नाम बदलने से कुछ होगा फायदा? क्या फायदा? कुछ नहीं होगा, कुछ फायदा नहीं होगा। हाँ, बदला ही क्या है, क्या कह रहे हैं? उन्होंने नाम ही तो बदले और इस सरकार में कराई क्या भैया उन्होंने? अभी तो आपके साथ में दो चार, ये कहने वालों के क्या कमा के खाना चाहिए, अब ये क्या 2 दफे गेहूं दे दिया, भीख मांग के खाएंगे, कमा के खाएंगे, 40 किलो गेहूं दे दिया, क्या होगा उससे? मेरे यहाँ बुंदेलखंड में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बना है, और उसके बगल में 1 किलोमीटर में सारा कॉरिडोर बना है, ठीक है, मंडी से लेके हर चीज, ठीक है, आप देख लीजिए। और वहाँ का स्थिति इतनी बदल गई है कि मनुष्य का जीवन ही बदल गया, पूरा जीवन बदल गया है। अब एक बात बताइए कि अभी जो है जनता को जो है रोजगार चाहिए, सुनिए, रोजगार चाहिए, क्या चीज़? 1.5 करोड़ रुपए दिया सरकार ने। अच्छा, ठीक है, अब ये तो यहाँ पे आदमी को जो रोजगार चाहिए, भूखे मर रही है जनता, जैसे मान लो लॉकडाउन चल रहा है तो सड़क से आदमी काम चल जाएगा कि आदमी काम करेगा तो काम वो तो मेहनत करेगा, कितना रुपया मेहनत करेगा, कितना रुपया दिया, कितना रुपया दिया, 1.5 करोड़ आपको कितना मिला, कितना मिला? तुम्हें क्या फायदा हुआ? तुम्हें हाँ 42 करोड़ का फायदा हुआ, तुम्हें 42 करोड़ रोड खा लेंगे उखाड़ के। ये हेलो, रोड बनाने में 1.5 करोड़ दिया तो रोड खा लोगे उखाड़ के, ये बताओ? खाओगे क्या? वहाँ पे कॉरिडोर बनेगा तो हजारों लाखों लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा? अरे महंगाई कितनी लोग,
महंगाई कितनी लोग हुई? 90 रुपए जीवन में तेल खाया, आज 200 रुपए तेल बिक रहा है। गरीब आदमी के लिए तेल चाहिए, गेहूँ चाहिए, चीनी चाहिए, और क्या चाहिए? कि सरकार जो है 4.5 लाख रोजगार भी दिया है, बोल दिया रोजगार, किसने रोजगार दिया? 4 साल में अभी तक नहीं मिला है रोजगार, तो छूट के भी आ गया कंपनी से, सारे कंपनी बंद हो गए सब। भैया पेट्रोल भी 64 रुपया, बताओ इस सरकार में कितना बढ़ेगा पेट्रोल? 100 से पार होगा। देश के विकास के लिए थोड़ी महंगाई, देश के विकास की काम में हम विकास के लिए महंगाई, विकास करने महंगाई तो सब है। सुनिए सुनिए, इधर तो आइए एक मिनट, इधर तो आइए, इधर आइए आप इतने, इधर थोड़ा इधर इधर आइए आप, इतना गुस्सा हो रहे हैं योगी की सरकार 4.5 लाख लोगों को रोजगार दिया है, क्या हो रहा है? ड्यूटी ड्यूटी भी टाइम से नहीं मिल रही है, 7 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, और क्या चाहिए? मजदूरों को मजदूरी तो मिलना चाहिए, अगर टाइम से काम मिलेगा तो आदमी का पेट भी पलेगा। अब पूरी महीने में ड्यूटी नहीं मिलेगी तो क्या कर लेगा आदमी? कमरा सरकार काम कर रही है, इधर आइए, सरकार कैसा काम कर रही है? सरकार बिल्कुल घटिया काम कर रही है, कोई काम नहीं है यहाँ ना, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। अभी 10 दिन से हम घूम रहे हैं, कहीं काम नहीं मिल रहा है। हाँ तो नाम बदल रहे हैं, अरे नाम खाली काम का है, नाम है उनका, जगह जगह पोस्टर लगा दे रहे हैं बस। नाम से काम चलेगा या काम पा करके काम चलेगा? काम करेंगे तभी तो उनका नाम होगा, कुछ काम नहीं कर रहे हैं। अब तुम अपना नाम अंबानी रख लोगे तो तुम अंबानी बन जाओगे, कुछ कमा के तो काम। हाँ कोई काम नहीं है यहाँ, 10 दिन से बेरोजगार घूम रहे हैं, कोई काम नहीं मिल रहा है। अब लोगों को रोजगार मिल रहा है कह रहे हैं, 4.5 लाख लोगों को रोजगार, कुछ नहीं है, खाली वो दिखावे के लिए है, कुछ नहीं है रोजगार यहाँ पे। कितना काम कर रही है सरकार? अरे सरकार चेंज करी जाए, मेरा कहने का मतलब ये है सरकार बदली जाए। क्यों बदली जाए? इतना चली जाए, सड़कें बनवा दी, शौचालय दे, कुछ नहीं हो रहा है विकास के, बेरोजगारी और बढ़ रही है। ये सड़कें किसने बनवाई? सड़कें गांव में कितनी देर दिन में जाते थे आप लोग? गांव में रोजगार मिलने से काम मिलेगा, रोजगार तो जब ही मिलेगा जब सड़कें सही होंगी। सड़कें सड़कें भाई सड़कें क्या, इनको अब इधर आइए, सड़क बन जाएगा तो क्या सरकार का काम हो गया? अरे एक मिनट ये बताइए, अरे रुको, अच्छा राशन सड़क बनने से सरकार अच्छा था, मैं बना दूंगा सड़क, मुझे बना दो राशन। अच्छा राशन, राशन महीने में कितने दिन राशन? क्या बात करते हो यार, मैं तो आज तक राशन को जानता ही नहीं, राशन कार्ड ही नहीं बना तो राशन क्या लूंगा मैं, जानता हूं। घर कितने दिन में जाते हो? कभी राशन लेने गए हो कभी? 8 घंटे तो लाइन, 1 मिनट राशन तो सरकार दो बार। अरे यार घोड़ा भी नहीं खाता जो देता है। हाँ सर बताइए सर। अरे आप कह रहे हैं कि सरकार कैसा काम कर रही है? सरकार बढ़िया काम कर रही है, और क्या चाहिए? और कितना चाहिए तुम्हें? क्या क्या दिया है बताइए। अरे सब कुछ दिया सर, राम मंदिर दे दिया हमें, और ऐसे ज्यादा मुझे क्या चाहिए? दे दिया राम मंदिर से पेट भर जाएगा, भर जाएगा कुछ नहीं है। हाँ? और 370 हटवा दी, और क्या चाहिए मुझे? मंदिर से पेट 370 लगाते रहे राम मंदिर, नहीं अगर पेट भर जाएगा मंदिर से तो यहाँ नरेंद्र मोदी और योगी सरकार ही चाहिए। ये जो छोटे मोटे इनको भगाओ, आज खुल के जो घूम रहे हैं ना तुम लोग, तो ये योगी की सरकार है जो खुल के घूम रहे, फोन छीन गए, लूटपाट सारी बंद हो गई, सब घूमते थे, बल्कि उस टाइम ज्यादा घूमते थे, अब कम घूम रहे हैं। उस टाइम पैसा बंद के घूम रहे थे आप, पहले बात गुंडागर्दी, एक मिनट, चलिए अच्छा कुछ अच्छे काम गिनवा दीजिए, मुंह बंद कर दीजिए। उस टाइम ज्यादा घूमता था, अभी कम घूम रहे हैं, पैसा था अभी पैसा ही नहीं है, उस टाइम जॉब था, जॉब नहीं है, जॉब क्यों नहीं है? आप लोग अभी बिल्डर्स को उसने हिला के रख दिया, बिल्डर्स काम नहीं कर रहे हैं, एक बिल्डर्स में कम से कम 5,000 आदमी काम करते हैं आज, सब जहाँ पे एक है, एक हजार बिल्डर है ना, आज 200 बिल्डर नहीं। काम करवा दीजिए, चलिए भाई, हम पहले गांव में जाते थे, क्या किया? सब जितना भी आवास की जो भी रोड हुआ या हेवी हुआ सब उसका बना हुआ, पास गांव में लाइट पहले नहीं आती थी, 18 घंटे इसने पास किया, इसने आके कम्प्लीट किया, छोटे मोटे को कहने दो, उसका मायावती का और उसका पास किया हुआ वो, हाँ नोएडा का ये जितना जेपी वाला रोड है, किसका किसका पास किया उसका, इसने कम्प्लीट किया काम, उसने किया, मैं जाके देखो 18 घंटा आ रही है। तो हम पहले गांव में रह नहीं पाते थे, लाइट नहीं थी बिल्कुल भी, आज गांव में लाइट है बहुत बढ़िया। दिल्ली में 1 मिनट के लिए लाइट नहीं जाता, यहाँ पे अभी भी 2-2 घंटा 3-3 घंटा लाइट जाता है, दिन में 5 बार लाइट जाता है, यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं। आप क्या कैसी लगी सरकार? योगी सरकार सबसे मस्त है, भारत को इसी को चाहिए, अब मोदी, दो ही चीज चाहिए, योगी और मोदी।
भारत को दो ही लोग चाहिए, मोदी और योगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। आम जनता से पूछ लो, यहाँ पे जितना इसी से पूछ लो, नहीं और से पूछ लो। चाहिए मुझे इसे भेज, इनको भेजो यहाँ से, इनको भेजो, मुझे ऐसा जनता नहीं चाहिए, मुझे योगी सरकार और मोदी सरकार ही चाहिए। चार साल में कितना महंगाई बढ़ गया ये देख रहे हो आप, 60 रुपए पेट्रोल था, 125 रुपए पेट्रोल हो गया। कौन सी कंट्री में सस्ता है बताओ? सरकार आया आज तक कोई जीएसटी नहीं लगाया, इसने जीएसटी लगा दिया। पाकिस्तान में सस्ता है, वहाँ 200 रुपए केजी लीटर है। मजदूर का क्या मतलब, हम पब्लिक के ऊपर 200 लीटर दूध, हम पब्लिक के ऊपर जीएसटी का क्या मतलब है? हम मजदूरी करके आ रहे हैं, मेहनत करके आ रहे हैं, अब वो उसी पैसे से जीएसटी कट रहा है हमारा। कुछ खरीदने जाएंगे तो भी 18 रुपए फालतू दे रहे हैं। काम की डंका कह रहे हैं, काम की जगह हर जगह डंका बज रही है, काम की तो डंका बज रही है। काम कुछ नहीं, काम उसका किया हुआ है, इन्होंने क्लियर किया, बस फिनिशिंग किया और कुछ नहीं किया। वो योजना में रहता था, वो काम कागज और योजना में रहता था, सरकार गलत लगी, सरकार तो गलत है भाई। अरे कोई काम नहीं हुआ, ताले मिला कि नहीं मिला आपको? नहीं मिला, नहीं मिला, अभी सर मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। तो सड़कों को के खाएंगे कि चाटेंगे चूमेंगे? इतना पानी रहता था, इतना पानी रहता था तो हाँ रहता था, तो उसे हम रोड खाएंगे। कैसी रही सरकार? बढ़िया, अच्छी है। क्या कह रहे हैं जी? कह रहे हैं जैसे जिसके पास जमीन नहीं है उसकी हालत देखो कैसी हालत हो रही है। ये तो पैसे वाले हैं, सुबह तो कह देते कि सरकार बढ़िया है, चौका उनका तो कार वो चलेगा ही चलेगा। नहीं आनी चाहिए, 100% नहीं आनी चाहिए, ये सरकार नहीं आनी चाहिए। अरे ये तो हिंदू मुस्लिम करते करते राज करते, हिंदू मुस्लिम करते करते काम नहीं मिल रहा है, ऐसे घूम रहे एक महीने से। 4 लाख लोगों को रोजगार मिला, कहाँ मिला है, कहाँ मिला? सुबह को देखो कितना हिंदू घूम रहा आदमी, कितनी लड़के लड़कियाँ और कितने घूम रहे हैं। छह लाख क्या मिला है योगी सरकार में रोजगार? मकान मालिक मारने को तैयार है, किराया नहीं है। मकान मालिक मारने को तैयार, किराया नहीं है। कहाँ नहीं है? अभी कोरोना चल रहा है, कहाँ काम चल रहा है बताओ ना, कौन सी कंट्री में चल रहा है? हर जगह यही हाल है। ऐसा कभी नहीं हुआ भाई। देखो भैया काम बहुत बढ़िया है। बढ़िया बताइए, हर चीज बढ़िया है। योगी सरकार जैसे कोई सरकार है नहीं इस हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में। जितना बढ़िया योगी जी काम किए हैं ना, कभी अकेले जीवन में सोच नहीं पाएंगे, मायावती जी सोच नहीं पाएंगे। अच्छे काम गिना दीजिए, समझे? अच्छे अच्छे काम गिनाऊं? दो बात मैं तुम्हें आपको बता रहा हूँ, दो बात आप सबको बता रहा हूँ। पहला नंबर, उन्होंने एक काम किया कि जो ऑपरेशन आप कभी जीवन में नहीं करा पाते, आज वो ऑपरेशन आप ऑल इंडिया में घुमा करा लीजिए। कौन सा ऑपरेशन? कोई भी ऑपरेशन हो, कौन सा ऑपरेशन? कोई भी ऑपरेशन हो। रोजगार की क्या कमी है? चना बेच रहा हूँ आज, ये साइकिल, चना बेच रहा हूँ, चना चना बेच रहा हूँ मैं, और क्या? भूखे तो नहीं मर रहे हैं ये? चना भी नहीं बिक रहा भाई, खा रहे हैं, भूखे तो नहीं मरने दे रहा है, रोजगार दे रहा है, तुम्हें नहीं दे रहा है। 60 रुपए का भी नहीं बिका भाई, 200 रुपए का चना लाया। कितने का बेचे हैं आप? 60 रुपए तक का नहीं बिका भाई, देख लो। 10 रुपए 50 रुपए हम बेचोगे, नहीं बिकेगा यार। 60 रुपए का क्या खरीदेगा? यार पैसा क्यों नहीं है? पैसा नहीं होता तो आज आधे पब्लिक मर जाते हैं, लेकिन सरकार। अच्छा एक बात बताइए, सुनिए मेरी बात, सुनिए, इनकी 60 रुपए की दुकानदारी है, 20 रुपए का चना खरीद के थोड़ा दुकानदारी बढ़वा दीजिए। क्या 20 रुपए का बढ़ जाएगा? मोदी का सरकार आएगा, ये चना बेचना छोड़ देंगे, बढ़िया से नौकरी करेंगे, बढ़िया से होने वाला है। जो 10 साल 15 साल रह के कुछ नहीं करता, अभी तो केंद्र में मोदी जी है, यहाँ पे मोदी जी हैं, तो कमी क्या है बताइए हमें? कमी यही है भैया, रोड पे भटक रहे हैं, कमी यही है, कमी क्यों नहीं भटक रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं और क्या भटक रहे हैं? हम भी तो भैया मेहनत करके किसी बात से 50 रुपए खरीद के 100 रुपए की दुकानदारी कर ले, कम से कम 1 लीटर तेल तो ले जाएंगे, 50 रुपए तो ले जाएंगे। इनको खरीद दूं 50 रुपए का चना? मैं चलो कैमरे पे चना खरीदने वाले, खरीदिए, चलिए 50 रुपए खरीदिए, 1 शर्ट नहीं ये मानेंगे तब नहीं, जो 60 अच्छा है बोलेंगे तब। पहले मत खरीदना, बोल देंगे ना कि हाँ योगी सरकार जबरदस्ती हो गई। मैं चना खरीद दे रहा हूँ, 15 दिन का आटा दे रहा हूँ, आलू दे रहा हूँ, अब क्या चाहिए? चलो देंगे और लोगों को, बोले योगी सरकार सही है। हमारे हमारे नहीं, सबको रोजगार मिले, सरकार का तुम रोजी रोजगार
तुम्हारे पास है, तुम भूखे मर रहे हो। हम लोग तो 6 घंटा 8 घंटा नौकरी करके खुशहाल हैं, क्यों रोजगार किसके पास नहीं है? कैसी लगी सरकार? सरकार बहुत बढ़िया लगी, सरकार बहुत बढ़िया लगी। मैं बता रहा हूँ, बेरोजगारी चरम पे पहुंच गई है, इसलिए बढ़िया सरकार, इसलिए बढ़िया है। खेती बाड़ी सब ठप्प पड़ी है और किसान की चीज सस्ते में जा रही है। और 55 साल कांग्रेस रही, 55 साल कांग्रेस रही, ठीक है, किसने राशन फ्री किया? और महिला के खाते में 6000 जा रहा है, 6000। अच्छा, 6000 जा रहा है, ये घर किसने बनवाया बताओ? अपने घर से दिया है वो, और लोगों ने पैसा दिया उसका फ्री दिया है, क्या उसने दिया है फ्री? पहले मोदी खा गए GST दे के, और क्या पहले GST दे के सिलेंडर पे, फिर मोदी डकार गए। अंदर आइए, एक मिनट अंदर आइए। नहीं, क्या कह रहे हैं आप, अंदर आइए, देखिए क्या इंजाम लगा रहे हैं, सुनिए पहले इनकी बात। पहले सिलेंडर किया, GST सिलेंडर पे, फिर धीरे 100 रुपए हो गई, 50 रुपए हो गई, गायब ही हो गई बिल्कुल, और सिलेंडर इतना महंगा कर दिया। जो 2 नंबरी वाले आदमी है ना, एक भी नहीं रहा, सब 1 नंबर काम हो रहा BJP सरकार में। एक नंबर काम हो रहा है, सगरे हो रहे हैं। क्या क्या काम गिनवाओ ना यार, सिलेंडर है, शौचालय है, सब कुछ। अरे नहीं, जो आने को नहीं रहा, आदमी शौचालय में जाकर राम मंदिर, शौचालय में कंधा लग जाए तो गिर पड़ती है। शौचालय क्या है, उससे जो मिट्टी की है। जम्मू कश्मीर में किसी की ताकत नहीं थी, कोई घर ले लेता, और आज की डेट में कोई भी आदमी आम आदमी ले सकता है। ले लिया आपने मकान? नहीं, मैंने लिया, मेरे भाई ने लिया। भाई ले लिया, नहीं जाएगा जिसको लेना था, तो उसमें तो घूमने में जाना मुश्किल था। बार का चुनाव है, 22 का माहौल कैसे देखते हैं, क्या माहौल है? अरे भाई, योगी गया, योगी पूरे यूपी में आएंगे कि जाएंगे? आएंगे आएंगे, 15 साल अभी और आएंगे, जाएंगे 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 10 में 10 जीरो जीरो 10 में से 10 सरकार को 101% 10 में से 10 8 जीरो 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 कितना बेकार है, तो महा बेकार है जी, सरकार कभी आई नहीं, ऐसी कभी नहीं आई सरकार भाई, कोई हिलाने वाला नहीं है जोगी को, योगी क्या ऐसी सरकार कभी नहीं देखी। हाँ, बड़े परेशान लग रहे हैं। परेशान मैं 1.5 महीने से ढूंढ रहा हूँ नौकरी के चक्कर में, 1.5 महीने से आप नौकरी ढूंढ रहे हैं? हाँ। कहाँ गए आप? फैक्ट्री में, चलो कर लगाता हूँ, चलो बोलो किसी का काम करते हैं, दिलवाएंगे ना हेल्परी में कैसे भी। 9:30 बजे तक रोज काम ढूंढने निकलेंगे, 10:30 बजे काम मिल जाएगा। सुबह कितने बजे? सवेरे 8 बजे लिख रहा हूँ बस से। कितना दिन निकले? 5 बजे उठना पड़ता है, मैं जब मिलती है नौकरी। यार ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा घर से आए हुए 5 दिन हुआ, मैं जॉब कर रहा अभी। आपको नौकरी मिली है क्या? ऐसा है, सवेरे सवेरे हम 8 बजे आ जाएंगे, हाँ ठीक है। क्या करते हो? मेरा नंबर लो यार, मैं नौकरी में 100 बंदे लेके आऊंगा लगवाना, ठीक है? अरे यार, जिसको जो जरूरत होगी 100 बंदे लेके आओ। सपोज करो अगर 20 बंदों की जरूरत है तो 20 ही तो लेगी कंपनी, कोई जरूरी है 100 लेगी? वही चीज है ना, तो फिर बातचीत तो वही हो रही ना। कैसी लगी सर? इधर आया ना, इधर कैसी लगी? सरकार सरकार के बारे में तो सर पूछो ही मत, सरकार ने तो ऐसा हाल किया गरीब लोगों को कि पूछो मत। रेलवे बेच दिया, बिजली विभाग बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, अब कॉलेज और यूनिवर्सिटियों को प्राइवेट करने जा रहा है। जो गरीब जनता है, तो हमारी जो गरीब जनता है तो वो कहाँ पढ़ाएंगे? हमारी औकात नहीं है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की, प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने की हमारी औकात नहीं है। जबकि क्या कह रहे हैं ये कटोरा दे दिया योगी मोदी ने हाथ में, ये क्या करेंगे भैया? रोजगार बचा नहीं है, सब बेरोजगार हैं, सब बेरोजगार हैं। कटोरा है कि लंच है? अरे कटोरा है भैया, कटोरा है। ड्यूटी करने जाते हैं अभी, ड्यूटी करके आ रहे हैं भाई। पार्क में से आ रहा हूँ, फोके काम नहीं मिला कहीं। अच्छा, पार्क में फोरा तो फो बनवा के लाते, पार्क में सो जाते हैं ना, कैसे ड्यूटी मांगने के लिए भैया? अच्छा, हाँ कुछ बता रहे थे, कहाँ गए? कहाँ गए भाई? हाँ बताओ ना, बताओ कहाँ बनाया है? भारत के लोग वहाँ पहुँच नहीं पाए थे, वहाँ जाके यूनिवर्सिटी बनाया है। जम्मू कश्मीर में आप जाओगे पढ़ने? घूमने भी नहीं जा रहे? घूमने आप जाओगे पढ़ने? घूमने जा रहे?
नहीं आप जाओगे, डर था कि मार देगा हमको। अभी भी खुला है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी कोई बताओ ना भाई। नहीं यार, कोरोना में कितना लगवाया? कौन सा यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हमको तो बता दो भाई। यूनिवर्सिटी कौन सी यूनिवर्सिटी में तुम पढ़े? कौन भाई, मैं यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा हूँ। बीजेपी जीतेगी, बीजेपी जीतेगी, अन्ना कह रही थी योगी सरकार आएगी, योगी जीतेगा, बीजेपी जीतेगी, बीजेपी जीतेगी, बीजेपी जीतेगी, बीजेपी जीतेगी। हमें हिंदू बन के जीना है, बीजेपी चाहिए। देश जिंदा रहेगा, हम भी जिंदा रहेंगे, हम जिंदा रहेंगे तो देश जिंदा रहेगा। देखो अंधभक्तों को तो समझाना हमारे बस की नहीं है, कोई भी नहीं समझाता अंधभक्तों को। अब किसान की बात करते हैं ना ये लोग कि किसान नहीं है, अगर किसान नहीं होगा ना तो आप जो यहाँ ना भूखे मर जाओगे। कौन सा क्या का क्या काम किया, गलत क्या काम गलत किया है? अरे क्या काम और काम ठीक है, अच्छा किसान गलत किया। चलो भैया किसान ना है, ठीक है। देख सकते हैं बात ही बात जो है लगातार ऐसा ही सुनने को मिलेगा हर जगह से। जो है हम ग्राउंड रिपोर्टिंग आप लोगों को लगातार देते रहे, महंगाई से लेकर के जो है अच्छे दिनों का जो वादा किया जा रहा था, अब वो देखने वाली बात ये होगी कि क्या आने वाले समय को लेकर के जो जनता सक्रिय है, जनता जो है सोच समझ करके वोट देने वाली है, या फिर जो है अच्छे दिनों की जो राह देख रही थी वो अच्छे दिनों जो है वाकई में कुछ दिनों के बाद आने वाला है। फिलहाल के इतना जुड़ेगा हमारे साथ, देखते रहेगा डेसो न्यूज़। धन्यवाद।